अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने जो इटली एम्बेसी के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली और जो वो किस तरह दोबारा, मतलब कि वो उसका अपॉइंटमेंट वाले दिन अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने रीशेड्यूल कर दी, कैंसिल नहीं रीशेड्यूल कर दी, 17 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने हमें दोबारा बताया नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो उसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आया। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को साथ साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इटली एम्बेसी पहुंचा, वही प्रोसीजर, टाइम पे पहुंचो, 8 बजे से पहले पहुंचो, वहां से टोकन लो और जाके शटल सर्विस पे बैठ के एम्बेसी के दरवाजे के चले जाओ। 8 सितंबर को लोग थे तकरीबन 15 से 20, लेकिन 17 सितंबर को थे 35 से 40। मींस के जिनकी 17 सितंबर की परमिट थी वो भी थे, उसके अलावा जिनकी 8 सितंबर की थी वो भी थे। तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी रश हो गया था। तो खैर, टाइम पे बारी आ गई, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे एम्बेसी के दरवाजे के बाहर पहुँचा और 11 बजे तक मैं फारिग हो गया। उसमें प्रोसीजर क्या था कि सिंपली आपके वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने पासपोर्ट के ऊपर अगर आपने ली है अपनी अपॉइंटमेंट, तो पासपोर्ट नंबर चेक करते हैं अपॉइंटमेंट के साथ कि इसका पासपोर्ट नंबर सेम है। इसमें से एक लड़की का इशू बन गया था कि उसका पासपोर्ट का लास्ट वाला जो डिजिट था ना, उसका फ़र्क था, उसको उन्होंने एंटर नहीं होने दिया। उसके बाद जिसकी आई डी कार्ड के ऊपर अपॉइंटमेंट होती है, उसकी आई डी कार्ड नंबर चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब अंदर जाते हैं, तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में जिसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नाम उसका लिखना होता है, लेकिन सिग्नेचर आपने अपना, मोबाइल नंबर अपना, एड्रेस अपना लिखना है जो बंदा सबमिट करवाने गया। अगर आप खुद ही सबमिट करवाने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें आपकी ही होंगी। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ आसानी के लिए, वो भी आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ अपनी स्टोरी लीगलाइजेशन की, कि मैंने, मेरे भाई ने बाहर पासपोर्ट अप्लाई करना था, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, एक था पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक था बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। इससे पहले एक डॉक्यूमेंट होता था जिसे कहते थे एक्ट ऑफ बर्थ, मतलब कि यूनियन काउंसिल से एक पर्ची लेते थे जो मैनुअली वो सेक्रेटरी जो था वो फिल करता, जिसके ऊपर लिखा होता था कि बच्चे का नाम ये है, बच्चे का नाम इसने, इस बंदे ने दर्ज करवाया था, इसकी दाई ये थी, इस डेट को ये पैदा हुआ था, ठीक है। वो बाय हैंड वो लिख के देते थे। तो उसको भी हमने ट्रांसलेशन करवाना होता था, फॉरन अफेयर से टच करवाना होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अगर आप में से किसी ने पासपोर्ट के लिए बाहर अप्लाई करना, उसके लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन दो चीज़ों को ट्रांसलेशन करवाना है अपने, ट्रांसलेशन से पहले जो उसको फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। जब आप फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लें, उसके बाद तकरीबन 12 से 13 घंटे के बाद वो ऑनलाइन जो है ना, शो होना शुरू हो जाता है, जो उसके ऊपर वो क्यूआर कोड लगाते हैं जिसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से उसको चेक कर सकते हैं स्कैन करके। अगर किसी के कैमरे में वो फीचर नहीं है, तो वो क्यूआर स्कैनर डाउनलोड करके, तो वो पिक्चर खींच के, तो उससे वो स्कैन करके तो देख सकता है कि इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बंदा ऐसा था जो 8 सितंबर को भी हमारे साथ आया था, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर वो 17 सितंबर को भी आया था, तो 17 सितंबर को जब उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने गया है, तो उसके जो क्यूआर कोड है वो स्कैन नहीं थे हो रहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद जाते नहीं हैं फॉरेन अफेयर में, तो किसी एजेंट के थ्रू करवा लेते हैं। तो मोस्टली एजेंटों ने अपने पास स्टैंपें रखी होती हैं, वो स्टैंपें लगा के, स्टीकर लगा के आपको दे देते हैं। लेकिन जब वो एम्बेसी अब जाते हैं, तो वो क्यूआर कोड को पहले स्कैन करके फिर डॉक्यूमेंट्स को पास रखते हैं। जब उन्होंने स्कैन किया तो स्कैन नहीं हुए, तो उसको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वापस कर दिए कि भाई ये स्कैन नहीं हो रहे, जब तक ये स्कैन नहीं हो सकते हम इसे सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको अटेस्ट करवाना है, वो ओरिजिनल और उसकी जो है क्या कहते हैं ट्रांसलेशन, इन दोनों की फोटोकॉपी एक एक सेट आप साथ ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट की कलर कॉपी तो साथ लगेगी, आईडी कार्ड की कलर कॉपी साथ लगेगी, जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो बंदा सबमिट करवा रहा है उसके भी आईडी कार्ड की कलर कॉपी साथ लगेगी। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म के अलावा अगर आप खुद जमा करवा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, अगर किसी को भेजना है उसके साथ फिर डेलगा लगेगा, ठीक है। डेलगा वहाँ से कम्यूनिस के पीछे स्टैंप लगती थी, अब वो स्टैंप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे सिग्नेचर उस बंदे के होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं सचोर और वो मेडिकल का कार्ड, या तीन कार्ड होते हैं शायद बाहर इटली वालों के, तो वो साथ उनकी कलर काफ़ी सारी लगती है। तो उन्होंने जब मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो उन्होंने वो क्या कहते हैं सचोर और दूसरी जो चीज़ें मेडिकल कार्ड वगैरह उसको, इतने वो उसे देखा ही नहीं, सिर्फ उसने कहा है कि पासपोर्ट किधर है। पासपोर्ट की उन्होंने कलर कापी निकाली है, उसके ऊपर जो नाम था, पासपोर्ट नंबर था, डेट ऑफ बर्थ थी, वो सारी चीज़ें उसने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट्स के साथ
मैच की हैं कि सारी मैच हैं, ट्रांसलेशन में भी उसने देखा कि सारे ठीक हैं। उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट पास रखे, उसने अपनी स्लिप काट के दी। स्लिप में जो फीस थी वो दो उसने स्लिप दी, एक थी 20,000 की, एक 31,350 रुपये, ठीक है। ये उसकी फ़ीस है अटेस्टेशन की, अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए पुलिस कैडर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी जो लोग थे उनकी भी तकरीबन सेम ही फ़ीस थी, अगर एक बंदा डिग्री का करवाने आया था उसकी भी तकरीबन यही फ़ीस थी अटैच करवाने की। तो वो आपको जो स्लिप देते हैं, तो स्लिप आपको देते हैं तो आप स्लिप को लेके बाहर निकल आते हैं एम्बेसी से, और फिर आप जाते हैं बैंक में। तो वहाँ से तकरीबन समझ लें कि 15 मिनट का रास्ता है चल के, 15-10 मिनट लगा लो, आधा किलोमीटर होगा, वो आप चल के जाएंगे वहाँ बैंक, HBL बैंक में अपने आप सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद पैसे, और सबमिट करवाने के पास के लिए आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए। जब आप सबमिट करवा लेंगे उसके बाद जो स्लिप होती है स्लिप की भी आपने कॉपी करवानी है। उसके साथ ही आपको वो, अगर आप HBL से किसी गार्ड से पूछ लेंगे वो आपको बता देगा कि साथ अल्फला बैंक है, अल्फला बैंक के साथ एक मेडिकल स्टोर है, उस बंदे ने अंदर फोटोकॉपी की मशीन रखी है, वहाँ से आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। जो रसीद होती है आपका चलान जो होता है, जो आपने पैसे सबमिट करवाए थे बैंक में, उसकी फोटोकॉपी A4 पेज के ऊपर करवानी होती है, एक स्लिप की जो 20,000 वाली होती है वो कॉपी करवा के। अगर आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी ट्रांसलेशन, इनकी अगर आपने कॉपीज़ नहीं करवाई तो वो भी कॉपीज़ आपको वहाँ से करवानी पड़ेंगी। वो करवा के दोबारा जाके आप एम्बेसी में वो उनको स्लिप जमा करवाएंगे, तो फिर वो आपको एक स्लिप देंगे रिसीविंग की, ठीक है, कि आपको ये स्लिप है, जिस दिन हम आपको कॉल करेंगे तो आकर अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेना, ठीक है। तो रिसीव करने के लिए वो आपको कॉल करेंगे। तो मैंने जो उनकी हदायत पढ़ी थी, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसमें कितना टाइम लगता है, तो कुछ लोग कहते थे कि डबल फीस दे के जल्दी काम हो जाता है। डबल फीस नहीं है, सिंगल फीस है, 2 माह का उनका टाइम वो रिक्वायर्ड करते हैं। 2 माह से ज़्यादा भी लग सकता है, 2 माह से कम भी लग सकता है, लेकिन वो 2 माह का टाइम मांगते हैं कि 2 माह के अंदर अंदर हम आपको इस सबको अटेस्ट करके वापस कर देंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। शेयर करने की मोस्टली वजह ये थी क्योंकि जो लोग फॉरेन फेयर का काम करवाते हैं किसी एजेंट से, अगर आप एजेंट से भी करवा रहे हैं, करवाने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करना मत भूलें, क्योंकि क्यूआर कोड अगर आपका स्कैन नहीं होता, आप एम्बेसी जाते हैं वहाँ स्कैन नहीं होता, तो आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाती है। अपॉइंटमेंट के ऑलरेडी आप लोगों ने पैसे भर रहे होते हैं। अब वहाँ पर एक बंदा था जिसने, देखें, 50,000 बंदे ने पहले दिया था, जिस बंदे से उसने अपॉइंटमेंट ली उसने उससे 50,000 रुपये चार्ज किया, जी मैंने आपको अपॉइंटमेंट लिख दी है, ये 50,000 रुपये इसकी फ़ीस है, वो हो गया। उसके बाद जब 8 सितंबर को एम्बेसी बंद थी, काम नहीं किया, तो रीशेड्यूल हो गई अपॉइंटमेंट, तो उस बंदे ने दोबारा 20,000 रुपये चार्ज किया, जी आपकी अपॉइंटमेंट पहले जी थी, एम्बेसी बंद होने की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो मैंने अपनी कोशिश करके दोबारा आपकी रीशेड्यूल करवाई, तो 20,000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा दें। तो उसने उससे 20,000 एक्स्ट्रा ले लिया, इवन कि उसका उसमें कोई काम नहीं है। एम्बेसी ने खुद सबको मेल की थी कि आज जिनकी 8 सितंबर की अपॉइंटमेंट थी उनकी चेंज करके 17 सितंबर को कर दिया। तो ये सीन भी होता है, ये सब चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को आपके साथ अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एजेंट से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके साथ इस तरह का हाथ ना हो। और ये जो क्यूआर कोड वाली बात है, जो फॉरेन फेयर से आप डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं, तो वो कोशिश करें कि ज़रूर उसको पहले चेक कर लें क्यूआर कोड को, वाकई में वो स्कैन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एम्बेसी जाने के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट कुछ लोगों को साल के बाद मिल रही है, किसी को 1.5 साल के बाद मिल रही है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो बंदा थोड़ा सा स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ को आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और वॉच करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को जल्दी दीजिए, खुदा हाफिज़।